राजस्थान विश्वविद्यालय में एक बार फिर से केंद्रीय लाइब्रेरी का समय बदलने को लेकर छात्रों ने हंगामा कर दिया। जहां लाइब्रेरी अभी सुबह 5 से रात 12 बजे तक खुलती थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस समय में एक घंटे की कटौती कर दी थी। इसको लेकर छात्रों ने कैंपस में केंद्रीय लाइब्रेरी का गेट बंद कर जमकर हंगामा किया। वही हंगामे की सूचना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन मौके पर पहुंचा और छात्रों से बातचीत की। इसके बाद प्रशासन ने वापस लाइब्रेरी 19 घंटे खुलने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में गत वर्ष भी इसी तरह लाइब्रेरी खुलने के समय में बदलाव किया गया था, जिसको लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया था, जिसे छात्रों के विरोध के बाद वापस भी बदल दिया गया था। इस प्रकार से ये संघीय वीसी राजस्थान विश्वविद्यालय में संघीय वीसी कैंपस स्थापन है, वो पहले लाइब्रेरी 24 घंटे थी, उसको 19 घंटे कर दिया। हमने हड़ताल प्रदर्शन किए थे तो 19 घंटे करवाए, और अभी कल ही छात्र विरोधी एक अलग ही प्रस्ताव निकाला कि भाई 19 घंटे से 18 घंटे कर दिए, एक घंटे कम कर दिए सुबह वाला। तो हम मांग करना चाहेंगे, हमारी मांग तो मान ली 19 घंटे की, हम पुनः मांग करना चाहेंगे संघीय वीसी से 24 घंटे से लाइब्रेरी किया जाए, नहीं तो हम उग्र। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।